बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि तमाम तरह मेरे खारजी भाई जो यहाँ पर मौजूद है सऊदी अरब में, सबको भाई मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आज 14 मार्च है। आप सब भाइयों की भाई बहुत से ऐसे कानून से जान छूट गई है जहां पर आपको भाई अच्छी खासी रकम और अपना अच्छा खासा टाइम देना पड़ता था। इसके मुतबादल अभी आप अपनी पसंद का कफील ढूंढ सकते हैं, अपनी पसंद का काम ढूंढ सकते हैं, अपनी पसंद के टाइम के मुताबिक यानी कि ड्यूटी अपनी लगवा सकते हैं। यानी कि आप इत्तफाक करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसमें भाई अपनी पसंद के मुताबिक अपना आप टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम तरह की डिटेल जो कि 9 तरह के कानून यहां पर आपको पिक्चर एक बड़ी करके दिखा भी रहा हूं, निजाम अल अमल अल सऊदीया की तरफ से ये पिक्चर भी शाया की गई है कि 9 तरह के कानून भी तमाम तरह गैर मुल्कियों को यहां पर जो आमल हजरात मुकीम है उनको दे दिए गए हैं, जिनमें सरफरिस्त मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी पसंद का कफील बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद का काम ढूंढ सकते हैं, अपनी पसंद की रहाइश ले सकते हैं। बहुत से मामला ऐसे हैं जी, आपको पता होगा जी, आपने बहुत सी न्यूज के मुताबिक अभी तक सुन ली होंगी, जिनमें आप अभी खुद मुख्तार हैं, अपनी मर्जी के साथ आप भाई सऊदी अरेबिया में भी रह सकते हैं, जा भी सकते हैं, अपनी छुट्टी, अपना खरूज, न्यू वीजा आप लेना चाहते हैं अगर किसी बंदे का, उसके मुतल्लिक भी तमाम तर डिटेल भाइयों आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन यहां पर सिर्फ इस वीडियो में, ये छोटी सी वीडियो थी, आप भाइयों को सिर्फ और सिर्फ एक मुबारकबाद देने के लिए बनाई थी कि तमाम तर मेरे गैर मुल्कियों को भाई बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज 14 मार्च से तमाम तर की भाई जंजीरें जो जकड़ी हुई थी हमारे हाथों और पैरों में वो टूट गई हैं, बशर्ते कि आपका किसी के साथ एग्रीमेंट वगैरह ना हो। इसके मुतलक आगे डिटेल से हरूब वालों के मुतलक अगर आप भाई खरूज अपने यहां से लगवाते हैं तो उसके मुतलक लेटेस्ट अपडेट आ रखी है, और हरूब वालों के मुतलक लेटेस्ट अपडेट आ रखी है, और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में आने के मुतलक भी कुछ अपडेट आ रखी है। ये नेक्स्ट वीडियो में आप भाइयों के साथ मुकम्मल तफसील से शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।